हनुमान बेनीवाल के राइट हैंड माने जाते थे उमेदाराम बेनीवाल, और सदैव साथ में खड़े रहते थे, और आरएलपी को खड़ा करने में उनकी बड़ी एक भूमिका रही है बाड़मेर में। वो आज आ गए हैं, तो क्या वो उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के? एक बड़े नेता आपको आज अलविदा कह चुके हैं भाजपा की, एक उन्होंने दामन थामा है कांग्रेस पार्टी का दामन तोड़कर, करण सिंह यादव, क्या कहना चाहो? सर, एक चर्चा चल रही है, सियासी गलियारों में चल रही है कि सचिन पायलट अजमेर से, गोविंद सिंह डोटासरा सीकर से उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साथ हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी रहने वाली है। सर, 10 उम्मीदवार तय हो चुके हैं, बाकी कुछ सीटों के नामों भी ऐलान हो जाएंगे। नागौर, सीकर, कुछ डूंगरपुर, बांसवाड़ा सीटें ऐसी है जो पेज फंसा हुआ है कांग्रेस पार्टी का, ऐसी खबरें आ रही है। कोई पेज नहीं फंसा है, 3 सीटें हैं जिसमें गठबंधन की संभावनाएँ हैं। अलायंस कमेटी दिल्ली के अंदर बनी हुई है, वो उस पर चर्चा कर रही है। हनुमान बेनीवाल के राइट हैंड माने जाते थे उमेदाराम बेनीवाल, और सदैव साथ में खड़े रहते थे, और आरएलपी को खड़ा करने में उनकी बड़ी एक भूमिका रही है बाड़मेर में। वो आज आ गए हैं, तो क्या वो उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के? वो बिना शर्त आए हैं, ये निर्णय तो आला कमान को लेना है जी। तो गठबंधन होने की चर्चाएँ चल रही है, हो भी सकता है वो तो अलायंस कमेटी जो दिल्ली के अंदर, उसको तय करना है। सर, एक बड़े नेता आपको आज अलविदा कह चुके हैं भाजपा की, एक उन्होंने दामन थामा है कांग्रेस पार्टी का दामन तोड़कर, करण सिंह यादव, क्या कहना चाहो? देखिए, डॉक्टर करण सिंह जी का कांग्रेस पार्टी ने खूब मान सम्मान दिया, रिटायरमेंट हो गया उसके बाद में उनको लगातार विधायक की टिकटें भी, एमपी की टिकटें भी, पार्टी के अंदर पद भी, संगठन के अंदर पद भी, बोर्ड निगम का चेयरमैन भी, कोई कमी नहीं छोड़ी। हम सब लोग भी उनकी पूरी इज्जत करते हैं, आज भी करते हैं, लेकिन आज उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, बीजेपी टिकट दे देगी तो अच्छी बात है। सर, एक चर्चा चल रही है, सियासी गलियारों में चल रही है कि सचिन पायलट अजमेर से, गोविंद सिंह डोटासरा सीकर से उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी, तो आला कमान तय करेगा जी। तो चुनौती कितनी रहने वाली है भाजपा के? बीजेपी से अधिक सीटें राजस्थान के अंदर कांग्रेस जीतेगी, ये आप समय आने पर देखेंगे। तो अब देखते हैं कि भाजपा को कितनी चुनौती दे पाती है कांग्रेस पार्टी, अब चुनौती रहेगी या नहीं रहेगी वो देखने वाली बात होगी। कैमरा साथी योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।